आज हमने ट्राई करी चाइना की नेशनल डेलिकेसी पेकिंग डक दिल्ली के ताज पैलेस होटल के रेस्टोरेंट स्पाइसी मिंग में। एंड आई नो आपके सुन के तोते उड़ जाएंगे कि ये डिश पूरे 6000 रुपए की है। गाइस ये है हमारी पेकिंग डक, इस डिश का नाम है 6000 रुपए की। ये डिश है इंडिया में सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव डिश, इससे ज्यादा महंगा और कुछ नहीं है इंडिया में। यार इतनी कॉस्टली डिश खाने आए थे तो उसमें कुछ तो खास बात होगी। जी हाँ, इस डिश में एक नहीं बल्कि कई खास बात है जो मैं आगे बताता हूँ। तो इस डिश को ट्राई करने में जिस होटल में आया था उसकी लग्जरी तो आप चारों तरफ देख ही पाओगे, और हो भी भाई क्यों ना, क्योंकि ये होटल मिस्टर रतन टाटा जी का है। दूसरी तरफ इस होटल के रेस्टोरेंट का इंटीरियर आप देख पाओगे कैसे ऑथेंटिक चाइनीज थीम पर बेस्ड है। इनके झूमर, लाइटिंग, वॉल डेकोर सब कुछ पुरानी जैकी चैन की मूवीज की याद दिलाता है। यार ये रेस्टोरेंट इतना ऑथेंटिक था कि इनकी टेबल पर भी चटनी प्याज नहीं बल्कि किमची और सोया सॉस रखी थी। अब हमने नजर मारी इनके मेन्यू पर और ऑर्डर करी अपने लिए पेकिंग डक डिश। आई नो बतख जैसे क्यूट से एनिमल को कोई कैसे ही खा सकता है, पर यार यही तो प्रोफेशन है हमारा। जब तक दुनिया के जायके चखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नया कैसे दिखाएंगे। वैसे कौन कौन यहाँ पेकिंग डक डिश का चाहने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई इस जगह की बातचीत देखो, यहाँ मिली इन प्लेटों से जो भी ना जाने कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के गरम करके इन्होंने हमें दी थी ताकि हमारा खाना भी इस पर गरम रहे। अब बड़े लंबे इंतजार के बाद हमारी डिश भी फाइनली हमारे टेबल पर आ गई। एंड टू माय सरप्राइज ये वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। I mean, मैंने हमेशा पिक्चर्स में इस डिश को एज अ फुल डक सर्व होते हुए देखा था, लेकिन यहाँ तो लग रहा था कि शेफ ने इसे ऑलरेडी पीसेस में कट करके ही हमें दिया था। चलो कोई नहीं, हमें तो इसे टेस्ट करना है। तो भाई हमें मिली इन चाइनीज रोटियों के साथ थोड़ी सी चटनी यानी पेकिंग डक सॉस डाल के कुछ पीसेस अपने रोल में डाली और टेस्ट करिए 6000 रुपए की डेलिकेसी जो मुझे टेस्ट में ओकेश लगी। इसका टेस्ट चिकन के बहुत आसपास है, बहुत ही क्लोज है। इसका जो क्रिस्पी ब्राउन टेक्सचर है ना, ये बहुत डिफरेंट टेस्ट करेगा। और ये सॉस उसके साथ आती है और ये वर्ल्ड वाइड इसी के साथ ही सेल करी जाती है। मेरे टेस्ट पैलेट के हिसाब से थोड़ी एवरेज है। I mean, इस डिश के ऊपर आई विल स्टिल प्रेफर चिकन, बट इसका टेस्ट वन टाइम के लिए ठीक था। देन हमें सर्व हुआ इस डिश का सेकंड कोर्स जो था ये फ्राइड एंड क्रिस्पी डक। हाँ मतलब इस डिश में आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी पसंद की कोई भी दो ऑप्शंस में से चूज कर सकते हो, और हमने इसका ये फ्राइड और क्रिस्पी वाला वेरिएंट चूज किया था। दूसरा वेरिएंट आ गया हमारे डक का और ये है डीप फ्राइड डक बोन्स। मतलब डक की समझ जाओ, डिटेल में माइंड लेके चलो मुझे। डक का KFC है। हाँ डक का KFC है, राइट, चाइना वाला KFC, क्योंकि वहाँ पर तो डक ज़्यादा खाते हैं ना, तो इस वजह से ही ऐसा दिख रहा है। दिखने में बिल्कुल सिमिलर टू चिकन, राइट, कोई डिफरेंस तो नहीं लग रहा टेस्ट में दिखते हैं। एंड भाई जो भी बोलो ये टेस्ट में कमाल था। I mean, क्रिस्पी और क्रंची वेरिएंट में डिश काफी टेस्टी लग रही थी। काइंड ऑफ लाइक चिकन बट डक मीट, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बट प्रिपरेशन बड़ी क्रिस्पी और बड़ी ही फ्लेवरफुल है। मतलब मेरे को लग नहीं रहा था 5 स्टार में इतना चटपटा खाना मिलता है, पर मिल रहा है। और मेरे को मेरे ऐसे प्रेफरेंस पूछोगे तो आई विल गो विद दिस क्रिस्पी फ्राइड वाला वेरिएंट रादर देन दिस। बाकी आपकी पसंद, आपको डक पसंद है कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताओ। हालांकि चिकन के मुकाबले ये अब भी और ज्यादा रबड़ी और चुई था, बट द फ्लेवर एंड स्पाइसेस वर ऑन पॉइंट। मेरे साथ मतलब मुझे क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी नॉनवेज नहीं खाती, ओनली वेज। मेरी मासी लहसुन प्याज भी नहीं खाती, तो बोल रहे थे आयुष तू तो खा लेता है लहसुन प्याज, तो ये भैया बोले ये तो क्रोकोडाइल भी खा रखा है इसने तो। जो भी बोला, हमारे फेवरेट 5 स्टार की तरह आज रतन टाटा जी के रेस्टोरेंट ने हमें निराश नहीं किया था। बाकी 6000 रुपए आपको इस डिश के लिए वर्थ लगते हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे कल, अदियोस।